बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स का अगला भाग एक्टिविटी 1B लेटर डिफरेंस इन साउंड, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 29 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं एक्टिविटी 1B। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। इन वर्डों को हमें रीड करना है, पढ़ना है और इनको इनके साउंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलम में हमें जमाना है। तो इसी तरह की एक्टिविटी हमने पेज 28 वाली भी करी थी, यदि आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। और ये भी उसी तरह की एक्टिविटी, इनको साउंड के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट कॉलम में इनको अलग अलग करना है। तो पहले हम वर्ड पढ़ लेते हैं। अम्ब्रेला, यूनिसाइकल, इंडिया, यूनिकॉर्न, इंसेक्ट, अंडर, इंक पॉट, यूज, आइडिया, अनहैप्पी, इनवर्ट, अस, इग्लू, यूटेंसिल, आइसक्रीम, अंडरलाइन, इंच, यूनिफॉर्म, यूनिट, आइटम, अपर, आइस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वर्ड पढ़ लिए हैं। अब देखो साउंड किस किस के अनुसार हमें डिफरेंट करना है। तो यहाँ एक एग्जांपल ऑलरेडी दे रखा है। साउंड ऑफ यू एज इन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यू का प्रोनंसिएशन हम किस तरह से कर रहे हैं, अ की तरह कर रहे हैं। देखो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला या अ जैसा साउंड जब यू का निकलेगा तो हम उन वर्ड को यहाँ रखेंगे। साउंड ऑफ यू एज इन यूनिसाइकल, यूनिसाइकल है ना, यूनिसाइकल। तो यूनिसाइकल में यू का जो प्रोनंसिएशन हो रहा है उस तरह से जो वर्ड होंगे उन्हें हम यहाँ रखेंगे। उसी प्रकार साउंड ऑफ आई एज इन आइसक्रीम, आइसक्रीम बोल के देखो, आइसक्रीम। तो इसमें आई का जो साउंड निकल रहा है आई, इस तरह का, उस तरह के जो वर्ड होंगे वो हम यहाँ रखेंगे। और साउंड ऑफ आई एज इन इंडिया, इंडिया। तो आई का प्रोनंसिएशन जैसे यहाँ हो रहा है वैसे वर्ड हम यहाँ रखेंगे। तो चलो बच्चों शुरू कर लेते हैं हम फिर से। साउंड ऑफ यू एज इन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऑलरेडी दे रखा तो भी हम चलो लिख देते हैं। UMBRELLA अम्ब्रेला हो गया। यूनिसाइकल, यूनिसाइकल, यूनिसाइकल यहाँ दे रखा है तो हम फिर इसको तो भी लिख लेते हैं, यूनिसाइकल। इंडिया, इंडिया दे रखा बच्चों, देखो इंडिया, इंडिया। ठीक है, अगला है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न कैसा साउंड निकल रहा है, यूनिसाइकल जैसा है ना। यूनिकॉर्न कैसा निकल रहा है, यूनिसाइकल जैसा, तो हम उसे कहाँ रखेंगे, यूनिकॉर्न। ठीक है बच्चों, इंसेक्ट, इंसेक्ट कैसा साउंड निकल रहा है, इंडिया जैसा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको इंसेक्ट। ठीक है बच्चों, अंडर, अंडर कैसा निकल रहा है साउंड, देखो अंडर अम्ब्रेला, अ है ना, अ अंडर अम्ब्रेला, अ अ अ वाला साउंड, जो अ वाले साउंड से दोनों यू शुरू हो रहे हैं तो हम अंडर को कहाँ रखेंगे, यहाँ, UNDER। इसी प्रकार इंक पॉट, इंक पॉट तो कैसा निकल रहा, आई जैसा निकल रहा नहीं, इंडिया जैसा निकल रहा, तो हम इंक पॉट को कहाँ रखेंगे, INKPOT, इंक पॉट। ठीक है, उसी प्रकार अगला है यूज, यूज, यू, यूनिसाइकल जैसा साउंड निकल रहा है उसका, तो हम यूज को यहाँ रखेंगे। उसी प्रकार आइडिया, आइडिया का साउंड कैसा निकल रहा है, आइसक्रीम जैसा, तो आइडिया को कहाँ रखेंगे, आइडिया। अनहैप्पी, अनहैप्पी अ वाला साउंड निकल रहा है तो अम्ब्रेला जैसा निकल रहा है ना, तो हम अनहैप्पी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इनवर्ट, इनवर्ट कैसा साउंड निकल रहा है, इंडिया जैसा है ना, इंडिया से जैसा साउंड निकल रहा है वैसा निकल रहा है इन, तो इनवर्ट को हम INVERT, इनवर्ट को हम यहाँ रखेंगे है ना। उसी प्रकार अगला है इनवर्ट के बाद अस, अस, तो यूनिसाइकल अम्ब्रेला, तो कहाँ आएगा ये, यहाँ आएगा, US, अस। ठीक है, इग्लू, IGLOO, इग्लू, इग्लू आइसक्रीम जैसा निकल रहा है, ई वाला आइसक्रीम, और इंडिया तो कैसा निकल रहा, इग्लू, तो कहाँ आएगा यहाँ पे, ई वाले जैसा, IGLOO है ना, इग्लू। उसी प्रकार है यूटेंसिल, यू जैसा साउंड शुरुआत में निकल रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ यूटेंसिल। आइसक्रीम, आइसक्रीम तो ऑलरेडी दे रखा है, आइसक्रीम यहीं आएगा ये।
है ना, आइसक्रीम हो गया। अब है अंडरलाइन, अंडरलाइन तो अंडरलाइन यूनिसाइकल जैसा निकल रहा है साउंड, या अम्ब्रेला जैसा, अंडरलाइन तो अम्ब्रेला जैसा निकल रहा है ना, अ वाला साउंड निकल रहा है शुरू में, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडरलाइन इंच। इंच कहाँ आएगा, देखो इंडिया वाले कॉलम में आएगा आई एन सी एच, क्योंकि ई से इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आएगा यू एन आई एफ ओ आर एम यूनिफॉर्म। यूनिट, यूनिट भी कहाँ आएगा, यहीं आएगा यू एन आई टी ई यूनिट। उसके बाद है आइटम, आइटम, आइटम का साउंड आ आइसक्रीम जैसा निकल रहा है इंडिया जैसा, आइसक्रीम जैसा आ से शुरू हो रहा है, देखो आइटम, तो हम लिखेंगे आई टी ई एम आइटम। यहाँ अपर, यू डबल पी ई आर अपर, अपर का साउंड कैसा निकलेगा, इसके जैसा है, इसके जैसा, इसके जैसा है ना, यू डबल पी ई आर अपर। उसी प्रकार लिखा आइस, आइस कहाँ आएगा, आइसक्रीम वाले कॉलम में या इंडिया वाले में, आइसक्रीम वाले में आएगा आई सी ई, है ना बच्चों। ये इस तरह से पूरे हमने इनको साउंड के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट कर दिए।